नमस्कार, स्वागत सभी का। एक और सूचना आई है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। एमफिल के बच्चों का आया है रिजल्ट, जिनका हो चुका था इंटरव्यू उसको लेकर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट बहुत छोटा सा है और इंटरव्यू बहुत लंबा चला इस डिपार्टमेंट का, क्योंकि बच्चों की संख्या भी ज़्यादा थी और बच्चों को सुविधाएँ मिले, इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इंटरव्यू करवाया भी गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं दे सकते थे, तो उन बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन भी करवाया यूनिवर्सिटी ने। अभी लगभग सेकेंड वीक में जनवरी के ही तो आ गया है आपका रिजल्ट, और ये रिजल्ट आया है एमफिल पाठ्यक्रम का, पीएचडी का नहीं आया है, एमफिल पाठ्यक्रम का। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के बाद, उनका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में बताया गया है कि 26 बच्चों का चयन हुआ है एमफिल के लिए। ठीक है, बल्कि सीटें थी 25 सीटों पर 26 एडमिशन। और कुछ दिन पहले ही, यानी कि 2 दिन पहले ही, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने भी घोटाला कर दिया। 30 सीटों पर 25 को एडमिशन दिया गया, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि 25 सीटों पर 28 बच्चों को एडमिशन दे दिया गया। उसी सिलसिले में ये रिजल्ट भी है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, कि 25 सीटें थी मेरे अनुसार जो मैं जानता हूँ समझता हूँ, और 26 बच्चों का एडमिशन हो गया है। 26 के 26 को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब अगली बात, आप लोगों को अपनी सभी कंप्लीट डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के बाद डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा लेने हैं और सबमिट कर देना है 24 जनवरी 2022 तक। अब इसके अंदर ये मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि आप लोगों को फीस भी 24 तक सबमिट करनी है या केवल डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी अकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं, रिसर्च प्रपोजल है, एप्लीकेशन फॉर्म है, यूजी पीजी और 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, वो सब हैं। और किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके सर्टिफिकेट है। यदि एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप गए थे इंटरव्यू में, तो उसका भी रिजल्ट लगाना होगा। ये सारी जानकारियाँ आपको वेरीफाई करवानी है अपने डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और फीस कैसे सबमिट करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिजिकल मोड पे जाना है डिपार्टमेंट या ऑफलाइन मोड पे जाना है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया नोटिफिकेशन में। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से आप जल्दी कन्फर्म कीजिए। और ये नोटिफिकेशन आज ही आया है, लगभग शाम को आया है। और एक बार बताऊँ, 3 वीडियो मैंने बनाए हैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और ये 3रा वीडियो है। आपको लग रहा होगा कि मैंने एक साथ 3ों वीडियो क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ये जानकारियाँ मिलती है ना वेबसाइट पर, ये एक जगह नहीं होती है। कुछ जानकारियाँ वेबसाइट ड्यू की जो कॉमन है वहाँ दे देते हैं ये लोग, कुछ जानकारियाँ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दे देते हैं, और कुछ जानकारियाँ मुझे किसी के माध्यम से प्राप्त होती है। जब जानकारियाँ ही मुझे भी प्राप्त नहीं होंगी तो मैं आपको कैसे बता पाऊँगा। कुछ नोटिफिकेशन शाम को मिले 6 बजे, कुछ रात में 9 बजे, क्योंकि लगभग इस वीडियो शूट करने के 5 मिनट के बाद मुझे लाइव सेशन पे जाना है। लेकिन सोचा ये वीडियो मैं आपको दे दूं, ताकि एक दिन का आपका नुकसान ना हो और एक बच्चे का भी नुकसान ना हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तय तारीख तय समय पर अपनी फीस और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा के सबमिट करके एडमिशन के लिए स्टेट फिक्स कर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी का रिजल्ट जब आएगा आपको बता देंगे, लेकिन 7 दिनों में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सवालों को, डाउट को, जिज्ञासाओं को भेज देगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं आपसे 9:30 बजे कुछ ही देरों के बाद। जय हिंद।